कहते अपने आप न गुरु के सिख है ना इन्हों का कोई कबीला ना इन्हों की कोई बस्ती मरण तो नहीं डरते Thank you.
फोटो थैंक यू सर आपको माइक लगा हुआ ना थोड़े क्विक क्वेश्चंस हैं आपसे जो जानने थे. एक तो सर इस फिल्म के बजट को लेके सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, तो ये प्रेपरेशन पहले ही था कि कहानी देखने के बाद ये डिसीजन लिया कि इसको एक मेगा बजट फिल्म देना है? ये पंजाब की जो रियल स्टोरी है जी, उस तरह सिटकॉम आगे बढ़ी और किस तरह नादर शाह बहुत बड़ा नाम था, उसकी फौज को हराना, उसके सामने डट के खड़े होना, तो ऐसे मुद्दे पे फिल्म आज तक बनी नहीं. उसको बनाने के लिए बहुत पैसा चाहिए, क्योंकि सारी एक देशभक्ति की मूवी है. सेट लगाने, डिजाइन बनाना, वो बहुत काफ़ी महंगा था. जो एक्टर हैं तस्तेन तस्सर, सुप्रीत गुड्डी, मेरा दोस्त राहुल जो बनाए, तो सब ने मुझे लगता है कि जी जान लगा दी मूवी को बनाने के अंदर. मैं सिलसिले जुड़ा हूँ कि इसमें अच्छे पंजाब को प्रमोट किया जा रहा है. कोई नशा नहीं, कोई ड्रग नहीं, कोई गाड़ियाँ नहीं, कोई बंदूक नहीं, असल पंजाब और जोश, ताकि जो बच्चे जो आने वाले उसको देख के वो भी अच्छी राह पर चले. इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा इस टीम के साथ जुड़ के, और मेरी भगवान से दुआ है कि ये मूवी कामयाब हो. मुझे बहुत अच्छा लगा. शायद जब मार्केट में अच्छी मूवी के पैसे वापस आएंगे और लोग भी हिम्मत करेंगे अच्छे प्रोजेक्ट को लाने की. मेरी बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू सर. हेलो सर, आई एम माई सेल्फ सिद्धांत फ्रॉम D24. सर मुझे ये जानना था कि जैसे इस फिल्म का मैंने ट्रेलर देखा, सर जैसे अभी मैंने फिल्म का ट्रेलर देखा, ठीक है, ट्रेलर नो डाउट बहुत ही प्रॉमिसिंग था और बहुत ही कमाल और बहुत ही ग्रैंड देखने को लगता था, लेकिन पंजाबी फिल्मों में इतना ज़्यादा VFX हमें बहुत कम ही देखने को मिलता है, तो ऐसा देख के लग रहा है कि इस फिल्म में VFX का बहुत ही भारी मात्रा में इसका काम किया गया है, तो उसको लेकर सर आप कुछ बताइए. इसलिए कि जो डायरेक्टर हैं शरण नाथ, उनकी ये सोच है कि जिस तरह साउथ की मूवी वो हर जगह पसंद की जा रही है, बिल्कुल ये स्टोरी इतनी बड़ी है को स्टाइल करना, दिखाना ताकि पंजाब कैसा है, ताकि लाहौर का किला दिखाना, तो बिना से वो अगर नहीं यूज़ करते तो ये कहानी में मुझे लगता है कि लोगों के साथ नाइंसाफी होती, कनेक्ट नहीं कर पाते, कनेक्ट नहीं. अब ये बहुत अच्छा बनाया उन्होंने, मुझे उम्मीद है कि जो नई जनरेशन है उनको देख के भी एक तो अपने धरोहर से लोग जुड़ेंगे, हम लोग कौन हैं कैसे, बिल्कुल, और बाकी गुड लक. अच्छा सर एक और ये मेरा सवाल था, जैसे ये कहानी शायद बहुत कम लोगों को ही पता हो, हमें बहुत कुछ पता है सिख धर्म के बारे में, कैसे स्थापना हुई, जो भी फाइट्स हुई, लेकिन ये वो चीज़ है कि औरंगजेब को वहाँ पे उन लोगों ने लूटा था, फिर ऐसे नादिर शाह को, तो ये वो कहानी जो कहीं इतिहास के पन्नों में थोड़ा सा गुम होकर रह गई, उस कहानी को बाहर निकालना, ये कितना बड़ा टास्क था. ये टास्क ये था कि ये दिखाया गया कि जब नादिर शाह ने पूछा कि सिटकॉम कैसी है, कैसे लोग होते हैं, तो उसको सिखाने के लिए बहरुखे लोगों को लिया गया. आप लोग बताओ कैसे कहते हैं, जब बहरुखे ने जब लड़े उन्होंने इतनी सी फाइट की, बहरुखे जब ऐसे हैं तो असली कैसे होंगे. बिल्कुल सही बात है, ये इसका मेन किरदार. और सर आपको यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा लग रहा है. एक फाइनल सवाल मेरा ये है कि
क्या इस फिल्म में हमें आपका जो तड़कता भड़कता मसाला म्यूजिक है वो देखने को मिलेगा कि नहीं? मेरे इसमें बहुत जोश वाले शब्द मस्ताने हैं और वाणी है, वो लोगों सुनने का जोर मिलेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। मस्ताने विच मेरी आवाज़ है, मस्ताने फिल्म विच और गुरु गोबिंद सिंह महाराज की बहुत सारी बाणी है, जो तुम सुनोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, जोश आएगा और अपनी कौम नाल प्यार होएगा। थैंक यू सो मच। मस्ताने का ट्रेलर देख के मुझे तो बहुत अच्छा लगा और अब इच्छा है कि बस अब उस इंतज़ार इस चीज़ का है कि जल्द से जल्द कब वो 25, मेरे ख्याल से 25 अगस्त को रिलीज़ हो रही है, तो मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा और साथ में अपने फ्रेंड्स को भी ले जाऊंगा, क्योंकि इस तरह की मूवीज़ बहुत कम देखने को मिलती हैं। उनका कॉस्ट्यूम देख लो और सारे ही आप देख सकते हो, सारे धुरंधर कलाकार हैं सारे ही, तो बहुत अच्छे कलाकारों के साथ और मुझे लगता है इसकी स्टोरी भी बहुत अच्छी होगी अभी जिस तरह से ट्रेलर में देखने को मेरे को मिला। गुरप्रीत, हाँ बिल्कुल, गुरप्रीत गुग्गी जी भी हैं और साथ में करमजीत अनमोल जी भी हैं और मैं फर्स्ट टाइम, लुक तो बहुत ऑसम है, देखिए ड्रेसअप देखिए आप, कॉस्ट्यूम उनकी देखिए और कॉस्ट्यूम भी अलग है और जो सेटअप पे काम हुआ है, मेरे ख्याल से जो सेटअप दिखाया गया है, मुझे बहुत इच्छा है उसको देखने की और मैं ज़रूर जाऊँगा। बहुत बहुत शानदार ट्रेलर है, बहुत भव्य था, सेट्स वगैरह काफ़ी अच्छे इस मूवी के देखने में लग रहे हैं और काफ़ी कुछ मुझे लगता है कि एक्शन वगैरह देखने को मिलेगा हमें इसमें, और पीरियड ड्रामा मूवी है तो उम्मीद बहुत अच्छी है कि बहुत अच्छा बिजनेस करेगी। पंजाबी मूवी में मतलब पहली बार मुझे कुछ इस तरीके की पिक्चर देखने को शायद मुझे मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। गुग्गी जी का लुक जो है और बाकी एक्टर्स का जो लुक है, जो कैरेक्टर है, वो बहुत अच्छा ढाला हुआ है, ट्रेलर में ही दिख रहा है, झलक दिख रही है उन सब की, तो मतलब एक तरीके से हमें बहुत अच्छा पीरियड ड्रामा मूवी देखने को मिलेगा और ये फर्स्ट टाइम होगा पंजाबी मूवी में जब ऐसा कुछ हमें देखने को मिल रहा है। ट्रेलर तो बहुत अच्छा लगा, पहली बार पंजाबी इंडस्ट्री के अंदर इतनी बढ़िया मूवी जो है वो देखने को मिल रही है। ट्रेलर देख के लग रहा है कि मूवी आने वाले टाइम पे बहुत धमाका कर रही है, हम लोग भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी ये फिल्म रिलीज़ हो और हम थिएटर्स पे जाके इसको देख पाए। ट्रेलर कैसा लगा आपको? बहुत ही बढ़िया लगा मेरे को ट्रेलर देख के, तो मेरे को मुगलों की याद आ गई समझ लो कि, मतलब मैं तो सीरियल देखता हूँ मगर ये मेरे को ट्रेलर देख के ऐसा लग रहा है कि ये मेरे को पिक्चर 3 घंटे की फिल्म या 2.5 घंटे की जो भी होगी फिल्म देख के मेरे को मज़ा आ जाएगा इस फिल्म के अंदर, बहुत अच्छा लगने वाला। और गुरप्रीत जी का जो रोल है, मैं तो उनका फ़ैन हूँ, खास तौर पे अनमोल जी और गुरप्रीत जी का तो फ़ैन हूँ मैं, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं डेफिनेटली ये फिल्म देखने वाला हूँ थिएटर के अंदर। 25 तारीख को जैसे रिलीज़ होगी पूरी फैमिली के साथ जाऊँगा मैं तो देखने के लिए, क्योंकि इस फिल्म को देख के मेरे को कुछ इतिहास के बारे में कुछ पता लगेगा, ऐसा लग रहा है कि कुछ बताना चाहते हैं फिल्म के अंदर, ट्रेलर देख के पता लगा, बाकी तो मूवी के अंदर देख के बाद पता लगेगा मेरे को, मेरा तो इतना ही कहना है जी। थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल। कैसी लगी सर आपको ट्रेलर? सर ये ट्रेलर बहुत अच्छा लगा और मुझे अपनी हिस्ट्री की याद आ गई, जो मतलब हिस्ट्री में दिखाया गया, हिस्ट्री हिस्टोरिकल मूवी है तो उसे बताया गया है और 25 तारीख को ये रिलीज होगी मूवी, तो मैं इसे ज़रूर देखने जाऊँगा और मैं अपने दोस्तों को भी लेके जाऊँगा ताकि उन्हें हिस्ट्री के बारे में पता चल सके। और गुरप्रीत सिंह ने बहुत अच्छा रोल प्ले करा है तो मैं उनको बहुत अच्छे से बताना चाहूँगा। Thank you.